Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here and I'm just presenting you the very fifth video of your Indigo. Okay, the chapter, the lesson 5 of your Flamingo of class 12th. Students, in the last lecture we have studied about the court cases that held against Mahatma Gandhi, you know, for his participation. For his participation in the Champaran case. So the court released him without any condition, but later, you know, once after a few days a summon came from the lieutenant general or lieutenant general side. Okay, he wanted that Gandhi should present in front of him. So once again Gandhi presented himself in front of that officer. Okay, and what happened over there, let us talk about right now. वहाँ पर हुआ क्या उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. सो दोस्तों, मैं स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अभिषेक तिवारी, मैं आपको फिर से एक बार हाजिर हूँ फिर से लेकर एक और वीडियो, जिस जो कि पाँचवा वीडियो है इस चैप्टर का, इस लेसन का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है. सो गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज. गांधी के जो है 4 प्रोटेक्टेड, मींस लॉन्ग होता है, लॉन्ग इंटरव्यूज मतलब बड़े लंबे लंबे वार्तालाप हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. अंग्रेज जो अधिकारी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसके साथ इनकी बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस हुई. ठीक है, और ये डिस्कशंस जो हैं वो चलती रहीं. ठीक है, लंबी लंबी डिस्कशंस हुई और उसका रिजल्ट ये हुआ. सो गवर्नर हु एज अ रिजल्ट यू नो अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन. इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की सिचुएशंस को लेकर के फाइनली गांधी से सहमत होकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन बैठा दिया, अपॉइंट कर दिया कि क्या हालात हैं, सिचुएशंस क्या हैं शेयरक्रॉपर्स के, इंडिगो वाले, उनका क्या हालात है, उनकी जाँच करने के लिए एक कमीशन बैठा दिया गया. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये उसका परिणाम हुआ. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. उस कमीशन में जो है लैंडलॉर्ड भी शामिल थे. जितने लोगों के बीच में ये मामला था उन सबको इस कमीशन में शामिल किया गया, जिसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गांधी स्वयं भी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, ना किसानों के सबसे मुख्य जो है रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो भी उसमें शामिल थे. तो 3 लोग इस कमीशन में शामिल थे. गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर यू नो फॉर एन इनिशियल यू नो अनइंटरप्टेड पीरियड, शुरुआती लगभग अनइंटरप्टेड मतलब बिना बाधा रहित जो है 7 मंथ तक, 7 महीने तक बिना किसी रुकावट के पहले लगातार रहें. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद भी कई छोटी छोटी विजिट्स जो है गांधी वहाँ करते रहे, चंपारण गाँव का छोटी छोटी विजिट करते रहे. ओके, सो द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that okay. तो जो ये विजिट था undertaken casually, ये casually actually हुआ था ये विजिट. the entreaty of an unlettered entreaty means होता है pleading ना, याचना, प्रार्थना पे किसके. unlettered मतलब होता है अनपढ़, पढ़े लिखे जो ना हो, ना illiterate, एक किसान जो था जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, उसके कहने पे गांधी यहाँ कैजुअली एक विजिट करने आए थे. इन द एक्सपेक्टेशन, उस आदमी की, उस किसान की ये उम्मीद थी दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज़, कि ये सब चीज़ें कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. लेकिन वो घटना जो है गांधी के जीवन का लगभग 1 साल उसमें कंज्यूम हो गया, 1 साल पूरा ख़त्म हो गया. ओके, हाउएवर द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. ऑफिशियल इंक्वायरी जो है वो गठित हुई और क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, जो बिग प्लांटर्स थे, जमींदार थे, उनके खिलाफ पहाड़ों जैसी ऊंचाई वाले जो है ना, इतने ऊंचे मतलब इतने ढेर सारे जो है ढेर लग गए उनके खिलाफ कंप्लेंट्स के. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड. और जब उन्होंने देखा, जमींदारों ने देखा, लैंडलॉर्ड्स ने देखा कि उनके खिलाफ मामले ज़्यादा बन रहे हैं, तो उन्होंने खुद से एग्री कर लिया, उन्होंने खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो है वो मान जाएंगे, वो किसानों से जो है कंपनसेशन देने तैयार हो गए. इन प्रिंसिपल ना, सैद्धांतिक रूप से टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, उन्होंने वादा किया कि वो पीजेंट्स को रिफंड कर देंगे, पीजेंट्स को
जो उनसे लिया गया है उसका रिफंड कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा कि कितना हमें पे करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पूछा गांधी से हमें कितना पे करना चाहिए, हम पे कर देना, हम पे कर देंगे, ओके तो वापस कर देंगे हम। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा गांधी जी जो है डिमांड करेंगे कि वो पूरा पैसा जो है मांगेंगे। विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। ठीक है, उन्हें ये लग रहा था जमींदारों को गांधी ये पूरा पैसा चुकता करने को कह सकते हैं। विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने जमींदारों ने इलीगली मतलब कि गैर कानूनी ढंग से और डिसीटफुली मतलब धोखेबाजी से एक्सॉर्टेड मतलब कि उनसे हड़पा था, शेयरक्रॉपर्स से जो है एक्सटॉर्शन के रूप में मतलब कि धमकी दे दे करके उनसे कमाया था। ओके, ही आस्ट ओनली 50%, लेकिन जब गांधी बोले तो वो केवल 50% कंपनसेशन की ही मांग किए। उन्होंने कहा कि नहीं 50% ही आपको देना है। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पे वो थोड़े से जो है उस कंडीशन में थोड़े से गांधी यहाँ पे जो है एडमेंट या एडमेंट मीन्स जिद्दी, थोड़े से वो यहाँ पे जिद्दी दिखाई पड़े, यहाँ थोड़े से जो है गांधी जी जो यहाँ पे जिद्दी दिखाई पड़े अपनी बात को लेकर के। राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज, जो एक ब्रिटिश मिशनरी था चंपारण में, उसने लिखा अपनी बुक या पेपर में कि इस मामले को लेकर थोड़े से गांधी जी जिद्दी दिखाई पड़े। ठीक है, हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिसने वो राइटर ने जिसने पूरे इस चंपारण मामले को बहुत ही क्लोजली देखा था, उसको समझा था, इसलिए उसने ऐसा लिखा कि इस जगह पे कंपनसेशन के मामले में गांधी थोड़े से जिद्दी दिखाई पड़े। थिंकिंग प्रोबेबली दैट, यह सोचते हुए संभवतः, दैट ही दैट ही वुड नॉट गिव वे, मतलब वो अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे, अपनी बात को नहीं छोड़ेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्लांटर्स के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम रिफंड करेंगे, लेकिन हम रिफंड 25% तक करेंगे। जहाँ गांधी 50% तक की मांग कर रहे थे, वहाँ ये 25% तक तैयार हो गए कि हम 25 आधा दे पाएंगे बस। एंड टू हिज अमेंजमेंट महात्मा गांधी और मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, दज ब्रेकिंग द डेडलॉक। और उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ ये जानकर गांधी ने जो है उतने पे भी एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने उनकी बात को रख लिया। उन्होंने कहा ठीक है 25% ही आप दे दीजिए, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और इस तरह से जो गतिरोध था, डेडलॉक मतलब गतिरोध जो था ना, वो आज रेजिस्टेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ किसानों और जमींदारों के बीच में। ओके, सो दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाई द कमीशन। तो ये जो सेटलमेंट था इसको निर्विरोध बिना किसी विचार के कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। ओके, गांधी जी कहते हैं, बताते हैं कि भले ही वो अमाउंट बहुत छोटा था, अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस, वो कम था ना, कम महत्वपूर्ण रहा हो, क्योंकि पैसे बहुत कम थे तो उसका महत्व पैसे कम रहा होगा, देन द फैक्ट, लेकिन उसके बजाय जो फैक्ट था वो ये था कि लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड सरेंडर, कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो झुक करके उन्होंने सरेंडर किया था, उन्होंने वो हमारे सामने झुक करके हमारी आज्ञा माने और सरेंडर किया ना पार्ट ऑफ द मनी, केवल पैसा सरेंडर नहीं किया विद इट, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस्टीज, अपना प्रतिष्ठा, अपना सम्मान भी हमारे सामने सरेंडर कर दिया। ये सबसे बड़ी बात थी, पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। सो देयर एज फार एज पीजेंट्स वर कंसर्न, ठीक है, तो जहाँ तक जो है पीजेंट्स की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ ना, जहाँ प्लांटर्स के लिए अभी तक लॉर्ड्स जो हैं वो व्यवहार करते थे मतलब कि कानून से ऊपर उठ के व्यवहार करते थे, नाउ द पीजेंट्स शॉ दैट ही हैड राइट्स, अब किसानों ने ये देखा कि उनके पास अब अधिकार था, एंड डिफेंडर्स, और उन अधिकारों को सुरक्षा करने वाला भी था, ही लर्नड करेज, और उन किसानों ने अब हिम्मत करना सीख लिया था। सो इवेंट जस्टिफाइड गांधीज़ पोजिशन, जो इवेंट्स थे यहाँ पे वो गांधी की पोजिशन को जस्टिफाई करते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर इस्टेट्स, कुछ ही दिनों में कुछ ही वर्षों में
जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अबेंडन मतलब छोड़ दिया देयर स्टेट्स, उन्होंने अपने स्टेट्स जो थे अपने बड़े बड़े फार्म्स वगैरह छोड़ दिए, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो ज़मीनें लौट करके फिर से किसानों के पास वापस आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग नाम की एक प्रथा चल रही थी वो प्रथा भी अब समाप्त हो चुकी थी या हो गई। ओके तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें समाप्त हो गई। ओके सो गांधी नेवर यू नो गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस। गांधी ने कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं किया विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। बड़े बड़े चाहे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हो चाहे इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस हो, कभी उन्होंने अपने आप को उसमें सेटिस्फाई नहीं किया। ही सॉ कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। उन्होंने उसके अलावा चंपारण के गाँव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन भी देखा एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इन लोगों के लिए कुछ तुरंत ही करना चाहते थे। ओके सो ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को अपील किया, महादेव देसाई, नरहरी पारीख, ओके टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल्स, जिन्होंने अभी अभी गांधी को एक शिष्य के रूप में ज्वाइन किया था, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी जो पत्नियाँ थी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने भी जो है काम की देखभाल करना शुरू कर दिया, उसकी देखरेख करना शुरू किया उनके साथ। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कई लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए और दूसरे और डिस्टेंट पार्ट से भी आए, पूरे लैंड से वहाँ चंपारण में इकट्ठा हुए। देवदास जो गांधी के सबसे छोटे वाले लड़के थे अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आ गए गुजरात से, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उनके साथ साथ मिसेस गांधी कस्तूरबा बाई भी आ गईं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड, प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए 6 गांवों में। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड द कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा बाई ने जो है वहाँ लोगों को आश्रम के नियमों को सिखाया या पढ़ाया, जिसमें पर्सनल क्लीननेस मतलब व्यक्तिगत साफ सफाई से लेकर के कम्युनिटी सैनिटेशन सामुदायिक साफ सफाई स्वच्छता का पाठ उन्होंने लोगों को पढ़ाया। ओके हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही दयनीय थीं। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। गांधी वहाँ पे यू नो एक डॉक्टर उनको मिला जो उसने अपनी सेवाएं 6 महीने तक वहाँ पे दी। फ्री मेडिसिंस वर अवेलेबल, 3 दवाएं वहाँ उपलब्ध हुआ करती थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाएं वहाँ पे उपलब्ध होती थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसके टंग में कुछ समस्या होती थी या जीभ मोटी हो जाया करती थी, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे कैस्टर ऑयल का एक डोज दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को अगर मलेरिया हो तो फीवर हो तो उसे क्विनाइन के साथ कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को अगर जो है स्किन इरप्शंस होता था तो उसे जो है ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये मेडिसिन और उसकी कॉम्बिनेशंस थी जो वहाँ प्रोवाइड की जाती थी। ओके आफ्टर इट गांधी नोटिस्ड द फ्लिथी स्टेट ऑफ विमेन कंडीशन, महिलाओं की दयनीय स्थिति को, उनके कपड़ों की दयनीय स्थिति को गांधी ने देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई, उन्होंने कस्तूरबा बाई से कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कहा कि जाके महिलाओं से उनके अपने कपड़ों के बारे में बात कीजिए ना। वन वुमेन टू कस्तूरबा इन टू हर हर्ट एंड सेड, एक महिला कस्तूरबा को लेकर के अपने झोपड़ी में गई और उसने कहा लुक, देखिए देयर इज़ नो बॉक्स और नो कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, देखिए यहाँ मेरे घर में कपड़ों को रखने के लिए ना तो कोई बॉक्स है, बक्सा है, और ना ही कोई अलमारी है। ठीक है, द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, ये साड़ी जो मैंने पहन रखी है ये अकेली मात्र साड़ी है जो मेरे पास है। ओके ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण लंबे समय तक रुकने के दौरान गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, वो गांधी जो है अपने आश्रम को दूर से ही निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाई मेल, चिट्ठी पत्री से रेगुलर वो संदेश भेजते रहा करते थे, निर्देश भेजते थे अपने आश्रम को, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स की जानकारी लिया करते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, वह एक बार उन्होंने जो है वहाँ के नागरिकों को लिखा,
that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. उन्होंने अपने आश्रम के लोगों से कहा, वहाँ के लोगों से, कि इट वॉज़ टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैटरिन ट्रेंचेस, जो पुराने लैटरिन ट्रेंचेस मतलब गड्ढे हैं लैटरिन के, अब उन्हें भर देना चाहिए ना, एंड डिग न्यू वंस, और नए नए गड्ढे लैटरिन के लिए खोदने चाहिए, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड, वरना जो पुराने वाले गड्ढे हैं वो ज़्यादा स्मेल करने लगेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है उन्होंने कहा. आफ्टर इट यू नो द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ. चंपारण का एपिसोड गांधी के जीवन का एक मुड़ा हुआ वक्त था. वॉट आई डिड, उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने किया वॉज़ अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत ही साधारण कार्य था. आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने डिक्लेयर किया दैट, मैंने घोषणा किया दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि ब्रिटिश मुझे आदेश नहीं दे सकते अबाउट माई ओन कंट्री, मेरे अपने ही देश में अंग्रेज कौन होते हैं मुझे आदेश देने वाले. गांधी जी ने यह कहा. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, लेकिन जो चंपारण था उसका कार्य उसमें जो शुरू हुआ वो कुछ डिफायंस के साथ, मतलब कोई शांतिपूर्ण ढंग से या फिर इस तरह से उसका कुछ भी नहीं हुआ. मतलब कि सिंपली अगर हम देखें ओके, सो मीन्स वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था बेसिकली, कि जो एक एक्ट ऑफ डिफाइंस को हम कहते हैं, कि कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक एक्ट ऑफ डिफाइंस के साथ हुआ. मतलब कि कोई अनादर के साथ कोई कार्य चंपारण उन्होंने नहीं किया. इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स. ठीक है, मतलब कि उनकी जो शुरुआत हुई वो अटेम्प्ट एक प्रयास के साथ था, टू एलिविएट मतलब कि दूर करना द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, बड़ी संख्या में गरीब किसानों की जो चिंता थी उसको दूर करने के साथ उनका काम शुरू हुआ. दिस वॉज टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी का एक टिपिकल पैटर्न था काम करने का. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड, उनकी जो राजनीति थी वो घिरी हुई होती थी विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, वो लोगों के लाखों लोगों के जो है रोज़मर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई होती थी उनकी जो पॉलिटिक्स थी. ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, वो कोई लॉयल्टी नहीं थे, वो कोई भार नहीं थे, यू नो ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब बाधाओं को लेकर कोई भी जो है जो ऑब्स्ट्रैक्शंस थी उसको लेकर कोई वो भार नहीं थे, कोई लॉयल्टी नहीं थे. ओके, उसकी जिम्मेदारी वो अपने साथ लेते थे. इट वाज यू नो अ लॉयल्टी ऑफ लिविंग, बल्कि ये जिम्मेदारी किससे, ये जीवन की जिम्मेदारी थी, इंसानों की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने ले रखा था. ओके, सो इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी ने किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडिया इंडियन, उन्होंने प्रयास किया एक नया फ्री इंडियन डेवलप करने का. हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सकता था, एंड दस और खुद और इस प्रकार से मेक इंडिया फ्री और भारत को स्वतंत्र कर सकता था. ओके, सो अर्ली इन द चंपारण एक्शन, इस चंपारण एक्शन के शुरुआती दौर में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम का एक इंग्लिश पैसिफिस्ट मतलब आशावादी जो है व्यक्ति, हु हैड बिकम अ डेवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो कि महात्मा गांधी का एक डेवोटेड फॉलोअर था, मतलब एक भक्त था, अनुसरण भक्त की तरह अनुसरण करता था गांधी का,
came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. क्योंकि वो फिजी आइलैंड पे अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो वो गांधी के पास अंतिम विदाई, मतलब विदाई लेने के लिए आया, विदाई कहने आया गांधी को. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी के जो वकील दोस्त थे वो ये सोचते थे दैट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि ज़्यादा अच्छा होगा कि एंड्रयूज हमारे साथ चंपारण में ही रहे. ओके, एंड हेल्प देम, और हमारी मदद, उनकी मदद करता रहे. एंड्रयूज वॉज विलिंग, वो भी इच्छुक था, इफ़ गांधी एग्रीड, वो चाहता था अगर गांधी कह देंगे तो वो भी, वो इच्छुक था वहाँ पे रहता. ओके, सो बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज, लेकिन गांधी ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया. ठीक है, गांधी जी ने वेहमेंटली मतलब स्पष्ट रूप से इस चीज़ का विरोध किया. ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस अनइक्वल फाइट में ना, मतलब कि असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, तो आप समझते हैं कि अगर हमारी ओर से एक अंग्रेज आदमी हम लोगों की साइड से होगा तो ये हमारे लिए बड़ी मददगार हो जाएगा. दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, गांधी ने कहा ये आपके हार्ट की, आपके हृदय की कमजोरी को दिखाता है. ठीक है, द कॉज इज़ जस्ट, हमारा जो प्रयास, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो कारण है वो न्यायप्रिय है. एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और आपको खुद से अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए. टू विन द बैटल, युद्ध जीतने के लिए आपको खुद के ऊपर निर्भर होना, अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज. ओके, आपको मिस्टर एंड्रयूज में कोई भी जो है ढाल का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो कुछ भी हो हैं तो एक इंग्लिश मैन ही, तो आपको उनको ढाल बनाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी जी ने हमारे मन को सही ढंग से पढ़ लिया था. ओके, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास, हम बिना उत्तर के हो गए थे, हमारे पास कोई उत्तर नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरीके से गांधी ने हमें एक सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ा दिया था. एक सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ा दिया था. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प्स टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारतीय, स्वतंत्र भारतीय, और इसके साथ साथ शेयर क्रॉपर्स, ये दोनों ही मुद्दे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे. आत्मनिर्भरता और इसके साथ साथ शेयर क्रॉपिंग, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे. सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चैप्टर लेसन. स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस लेसन आज. डेफिनेटली मैंने थोड़ा सा बड़ा समय लिया, बड़ा लेक्चर लिया, बट यू नो, हाउएवर ये लेक्चर फिनिश हो गया, ये चैप्टर लेसन फिनिश हो गया. सो ये लेक्चर या लेसन कैसा लगा आपको? इसके थोड़ी बहुत त्रुटियां जरूर मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत मेरे वीडियो बनाने दौरान हो जाते हैं. सो मैं चाहता हूँ कि आप इनको कंटेंट के बेसिस पर, अगर कंटेंट आपके बेहतर है तो आप इसको इग्नोर करना सीखिए, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए. जो नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ वो लेक्चर को यू नो नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि उनको आने वाले वीडियोस की, मतलब यू नो बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू, हैव अ गुड डे.